वेलकम टू माय चैनल। तो मैं आज आपको सिखाऊंगी सैंडविच की एक बहुत ही इजी और टेस्टी रेसिपी जो आप बच्चों के टिफ़िन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और इवनिंग स्नैक्स के रूप में भी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सैंडविच की फिलिंग तैयार करेंगे। मैंने उबले हुए आलू लिए हैं। हम 3 टेबल स्पून उबले हुए आलू लेंगे। इसे अच्छी तरीके से मैश कर लें। में थोड़ा नमक आप स्वाद अनुसार नमक ऐड कर सकते हैं। थोड़ा प्याज लेंगे, इसी भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। थोड़ी कैप्सिकम, और थोड़े टमाटर, इन अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। मैंने थोड़ी हरी मिर्ची भी ली है, अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। और हमारी फिलिंग तैयार हो चुकी है। मैं 2 ब्रेड की स्लाइसेस लूंगी और इन पर हम हमारी जो फिलिंग जो हमने तैयार की थी वो इसे स्प्रेड करेंगे अच्छी तरीके से। हमारी ब्रेड को अच्छी तरीके से इस फिलिंग से कवर कर दें। मैंने चीज का एक स्लाइस लिया है, हम उसे रखेंगे। हम सैंडविच को हल्के हाथों से थोड़ा थोड़ा प्रेस करेंगे। तवे पे थोड़ा बटर लगाएं या आप घी भी यूज कर सकते हैं और इसे इसके ऊपर अपना सैंडविच रखें। हमें इसे 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पर रखना है। दूसरी साइड पे भी बटर लगा लें। हमारी एक साइड अच्छी तरीके से तैयार हो चुकी है, हम उसे पलट देंगे और इसे भी 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पर रखना है। हमारी सैंडविच अच्छी तरीके से तैयार हो चुका है, हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा सैंडविच अच्छी तरीके से तैयार हो चुका है और चीज़ भी मेल्ट हो चुका है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा।